Hello my name is इस वीडियो लैक्चर में हम हीमोस्टैसिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स को डिस्कस करेंगे क्वेश्चन है जैसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीमोस्टेसिस हीमोस्टेसिस हमारी बॉडी की एक मैकेनिज्म है तो उस पूरी मैकेनिज्म को हम डिस्कस डिटेल में डिस्कस करेंगे हिमोस्ट को जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो उसमें जो पहला स्टेप होता है वो होता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन तो हम वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन के कितने टाइप्स हैं हर एक टाइप्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे प्राइमरी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन क्या होता है जब आप हिमोस्टास या फिर जब आप कॉगुलेशन पढ़ते हैं तो कई बार ये वर्ड आता है द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लेटलेट प्लग तो प्राइमरी प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन कैसे होता है प्लेटलेट अडेशन का क्या मतलब होता है कैसे प्लेटलेट एक दूसरे से अडेयर होती हैं प्लेटलेट एक्टिवेशन का क्या मतलब है कि जब प्लेटलेट्स अडेयर हुई एक्टिवेट हुई तो एक्टिवेशन के बाद क्या हुआ तो प्लेटलेट एक्टिवेशन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कई बार आपने एक डिजीज़ सुनी होगी वॉन विलेब्रिन डिजीज़ वॉन विलेब्रिन फैक्टर डिजीज़ के नाम से आपसे सुना होगा तो वो डिजीज़ क्या होती है वॉन विलेब्रिन फैक्टर का हीमोस्टाइसिस के अंदर क्या रोल होता है हम वो भी डिस्कस करेंगे प्लेटलेट्स के दो मेन ग्रैन्यूल्स होते हैं जैसे कि अल्फ़ा ग्रैन्यूल और डेल्टा ग्रैन्यूल्स तो अल्फा और डेल्टा ग्रैन्यूल्स का कॉग्युलेशन के अंदर या फिर हीमोस्टेसिस के अंदर क्या रोल होता है हम वो भी डिस्कस करेंगे इन दोनों ग्रैन्यूल्स का क्या फंक्शन होता है कॉग्युलेशन के अंदर सीरोटोनिन का क्या फंक्शन होता है कई बार सीरोटोनिन वर्ड वर्ड आता है कि सीरोटोनिन काकुलेशन में क्या रोल है क्या फंक्शन है तो हम वो भी डिस्कस करेंगे एडीपी एडिनाइन डाइफॉस्फेट का क्या रोल होता है कॉग्युलेशन के अंदर हम वो भी डिस्कस करेंगे कैल्शियम कैल्शियम क्या, जो आयंस होते हैं वो कॉग्युलेशन के अंदर कैसे काम करते हैं देखिए कई बार आपने एंटी कॉगुलेंट जब भी आपने पढ़ा होगा तो कई बार एंटी एंटीकॉग्युलेंट्स में आपने देखा होगा कि ये वाला जो एंटी एंटीकॉगुलेंट है जैसे ईडीटी ईडी जो एंटी एंटीकॉग्युलेंट है वो एंटीकॉगुलेंट है एक कैल्शियम किलेटिंग एजेंट उसको कहा जाता है कि वो कैल्शियम के करता है राइट तो कैल्शियम का कॉगुलेशन के अंदर क्या रोल होता है और वो जो ईडी जो भी एंटी कॉगुलेंट है जो कैल्शियम केलेटिंग होते हैं वो कैसे काम करते हैं तो उस कैल्शियम का पूरा रोल हम समझेंगे और जब हम ये डिस्कस करेंगे तो आपको ये भी आ जा जाएगा कि ईडी को कैल्शियम केलेशन क्यों कहा जाता है राइट फिर नेक्स्ट हम देखेंगे जो पीडीजीएफ होते हैं प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं वो कॉगुलेशन में कैसे काम करते हैं तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अंडर द टॉपिक हिमोस्टेसिस सो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से देखिए जो हिमोस्टेसिस जो वर्ड है ये दो चीजों से मिलकर बना है हीमो और स्टासिस यहाँ पे हीमो का मतलब होता है ब्लड और स्टासस का मतलब होता है स्टैटिक या फिर इक्विलिब्रियम या फिर कांस्टेंट इसका मतलब क्या है हीमोस्टासिस हमारी बॉडी की वो मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म की हेल्प से हम हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम है उसे हम क्या कर पाते हैं कांस्टेंट कर पाते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे हैंड पे क्या हुआ कट लग गया यहाँ पे हाथ पे मेरे कट लग गया उससे क्या होगा यहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट होगी ब्लड का यहाँ से क्या होना हो लगेगा लॉस होने लगेगा तो उस टाइम क्या होगा हीमोस्टेसिस जो मैकेनिज्म है ये एक्टिवेट हो जाएगा वो क्या करेगा यहाँ पे देखिए थोड़ी देर बाद आप देखेंगे जब भी चोट लग जाती है तो थोड़ी देर बाद वहां पे क्लॉट बन जाता है ब्लड का क्लॉट बन जाता है जैसे हिंदी में हम थक्का बोलते हैं राइट तो यहां पे थोड़ी देर में क्या हो जाएगा क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा जिससे क्या होगा कि जो बाकी का ब्लड है वो और लॉस नहीं होगा राइट और जितना भी लॉस हुआ है जितना भी ब्लड लॉस हो गया है उस उसका कांस्टेंट कैसे बनेगा कि हमारी जो बॉडी है वो नया ब्लड बना लेगी तो आपकी जो वॉल्यूम है वो वापिस क्या हो जाएगी कॉन्स्टेंट हो जाएगी ठीक है तो क्या हुआ चोट लगी जिससे क्या हुआ ब्लड का लॉस हुआ राइट लॉस जितना हो गया लॉस वो तो हो गया अब बाकी लॉस नहीं हो उसके लिए हमारी बॉडी उसके बाद क्या बना लेगी यहाँ पे क्लॉट बना लेगी और जितना ब्लड ब्लड लॉस हो चुका है क्लॉट बनने से पहले उतना हमारी बॉडी वापस क्या बना लेगी न्यू ब्लड का फॉर्मेशन कर लेगी जिससे आपकी जो ब्लड का वॉल्यूम है वापस क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा तो जो ये पूरी ओवरऑल मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से क्लॉट बनता है और सारा हमारा ब्लड जो है वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में रहता है वो पूरी मैकेनिज्म होती है हमारी हिमोस्टास इसलिए इस मैकेनिज्म का नाम क्या दिया गया है हीमोस्टास क्योंकि इसकी हेल्प से हमारा जो ब्लड है वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में रह सकता है हीमोस्टेसिस so, क्या एक मैकेनिज्म है जो रेस्पॉन्सिबल होती है क्या मेंटेन करने के लिए इक्विब्रियम या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ ब्लड ब्लड की कांस्टेंट वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है जब हमारी कोई क्या हो जाता है हमारी बॉडी में कोई वेस्क्यूलर डैमेज हो जाता है उसके बाद राइट right? अब देखिए हीमोस्टेसिस को हम सिंपली बोले तो ये क्या होती है हीमोस्टेसिस जो होती है वो स्टॉप करती है फ्लो ऑफ ब्लड को फ्लो ऑफ ब्लड मतलब यहाँ से जो लॉस हो रहा है ब्लड का जो फ्लो होता जा रहा है उसको क्या कर देती है स्टॉप कर देती है हीमोस्टेसिस में ये मेनली तीन मैकेज इन्वॉल्व होते हैं पहला मैकेनिज्म है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन सेकेंड है हमारा प्राइमरी रलेटेड प्लग और थर्ड है हमारा सेकेंडरी प्लेटेड प्लग प्राइमरी प्लेटेड प्लग के अंदर आते हैं प्लेटेड एडेशन एंड प्लेटेड एक्टिवेशन सेकेंडरी प्लेटेड प्लग के अंदर आता है इंट्रेंसिक पाथवे और एक्सट्रेंसिक पाथवे सो so, जो सबसे पहला हमारा स्टेप है वो होता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन देखिए यहाँ पे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है यहाँ पे वेजो का मतलब होता है वेसल्स जो हमारी ब्लड वेसल्स है और कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब यहाँ पे होता है कॉन्ट्रैक्ट होना किसी चीज का सिकुड़ जाना ठीक है जैसे वो एग्जाम्पल ये मेरी ब्लड वेसल है ये पहले ऐसी थी ठीक है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होगा ये वेसल्स है तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होगा कि वेसल्स सिकुड़ गई ये क्या हो गई कंट्रैक्ट हो गई तो इसे हम बोलेंगे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन तो हमारी बॉडी में जब भी कोई कट लग जाता है ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है तो सबसे पहला जो रिस्पॉन्स आता है हमारी बॉडी की तरफ से वो आता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का ऐसा क्यों होता है देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पाइप का एग्जाम्पल लेते हैं जिससे पानी निकलता है तो पाइप में जैसे इतना चौड़ा अगर वो पाइप है तो उसमें से क्या होगा पानी ज्यादा निकलेगा और जैसे ही इस पाइप को हम सिकोर देंगे इसे कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां से पानी क्या होगा फिर कम निकलेगा तो हमारी बॉडी भी सबसे पहले क्या चाहती है वो यही चाहती है कि अगर यहाँ पे कट भी लग गया वेसल्स के अंदर तो जो ब्लड का जो लॉस हो रहा है वो कम से कम हो तो इस एरिया में ब्लड का लॉस ज्यादा हो रहा था तो वेसल्स अपने आप को क्या कर लेती है कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है जिससे लॉस ऑफ ब्लड जो है जो वॉल्यूम लॉस हो रहा है वो क्या हो जाए हो जाए तो सबसे पहले बॉडी रेस्पॉन्स देती है वेजो का देती है तो ये सबसे पहले जो अर्ली रेस्पॉन्स होता है इंजरी को जब भी हमें कोई इंजरी होती है तो सबसे पहला जो अर्ली रेस्पॉन्स होता है वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ये बहुत कम टाइम के लिए रहता है अब यहाँ पे जो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है वो हिंदी में क्या होता है सिकुड़ जाना तो यहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स क्या हो जाती हैं सिकुड़ जाती हैं क्यों सिकुड़ रही हैं जिससे यहाँ पे जो ब्लड का जो फ्लो है जो ब्लड यहाँ से फ्लो के बाहर निकल रहा है वो क्या हो जाए डिक्रीज हो जाए कम हो जाए और जो लॉस हो रहा है ब्लड का वो भी क्या हो जाए कम हो जाए तो यहाँ पे देखिए मैंने बनाई है नॉर्मल ब्लड वेसल है ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद क्या होगा इसका जो ये वॉल्यूम है ये देखिए वॉल्यूम क्या हो गया कम हो गया यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है जैसे ही वेसल्स क्या होगी कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो यहाँ पे क्या हो गया लॉस मतलब जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया कम हो गया ये वॉल्यूम कम हो गया तो यहाँ से जो ब्लड बाहर निकल रहा है उसका वॉल्यूम भी अपने आप अप कम हो जाएगा अब देखिए वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन के तीन टाइप्स होते हैं पहला होता है हमारा न्यूरोजेनिक वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन दूसरा होता है मायोजेनिक वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन और तीसरा होता है हमारा एंडोथीरियन वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन अब देखिए नेक्स्ट मैंने यहाँ पे तीनों टाइप के वेजो कॉन्स्ट्रिक्शंस को डिटेल में डिस्कस करा है यहाँ पे अच्छे से डायग्राम बना के समझाया तो आप ध्यान से समझिएगा देखिए होता क्या है ये मेरी एक नॉर्मल ब्लड वेसल है ठीक है यहाँ पे क्या लग गया कट लग गया बाई चांस यहाँ पे किसी चीज से इंजरी हो गई कोई कट लग गया इसी ब्लड वेसल को मैंने यहाँ पे बड़ा करके एक्सप्लेन करा है ठीक है यही ब्लड वेसल है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुई इंजरी हो गई जिससे हमारी जो ब्लड वेसल थी वो क्या हो गई डैमेज हो गई इसी डैमेज ब्लड वेसल को मैंने यहाँ पे बड़ा करके शो करा है ठीक है अब यहाँ पे क्या हो रही है तीन टाइम के वेजो कॉन्स्ट्रक्शन होंगे न्यूरोजेनिक वेजो कॉन्स्ट्रक्शन मायोजेनिक वेजो कॉन्स्ट्रक्शन और एंडो एंडोथथिलियल वेजो कॉन्स्ट्रक्शन न्यूरोजेनिक वेजो कॉन्स्ट्रक्शन में क्या होगा देखो जो नॉर्मल हमारी यहाँ पे जो ब्लड वेसल है इनके साइड्स में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं न्यूरोन्स प्रेजेंट होते हैं तो जब यहाँ पे इस ब्लड वेसल्स पे कट लग जाएगा कोई डैमेज होगा कोई इंजरी होगी तो जो यहाँ साइड में न्यूरोन्स हैं उनपे भी कोई ना कोई डैमेज होगा कोई इंजरी होगी कोई कट लग जाएगा उससे क्या होगा जो ये न्यूरॉन्स हैं इस न्यूरॉन्स के जो ये नर्व एंडिंग्स होती हैं उस पर क्या होगा कट लग जाएगा या कोई इंजरी हो जाएगी जब ये नर्व एंडिंग्स डैमेज हो जाती हैं किसी भी वजह से तो ये डैमेज होने के बाद यहाँ से कुछ केमिकल्स को रिलीज करती है जिसे हम बोलते हैं वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर्स ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर्स क्या करते हैं वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करने का काम करते हैं ठीक है तो न्यूरोजेनिक में क्या हुआ कि हमारी यहाँ की ब्लड वेसल डैमेज हुई जिसे न्यूरॉन्स की एंडिंग्स डैमेज हो गई जब न्यूरोन्स एंडिंग्स डैमेज हो गई तो यहां से केमिकल्स रिलीज होने लगे ब्लड वेसल के अंदर जो कि वेजो हैं और वो क्या करेंगे वेजो कॉन्स्ट्रक्शन करेंगे तो यहां पर मैंने इसका फ्लोचार्ट एक्सप्लेन कर दिया है नेक्स्ट हम देखेंगे मायोजेनिक वेजो कॉन्स्ट्रक्शन क्या होती है देखिए क्या होता है इस ब्लड वेसल्स की जैसे ये ब्लड वेसल्स हैं तो इसकी साइड में क्या होती है स्मूथ मसल्स भी प्रेजेंट होती हैं ठीक है ठीके? तो जब यहाँ पे इस ब्लड वेसल्स पे कोई डैमेज हो जाता है तो हमारी स्मूथ मसल्स भी डैमेज हो जाती हैं तो जो डैमेज स्मूथ मसल्स होती हैं जो सराउंडिंग में डैमेज स्मूथ मसल्स है वहां से भी केमिकल्स रिलीज होने लगते हैं जो होते हैं वेजो कॉन्स्ट्रक्टर वो क्या करते हैं वेजो का कॉन्स्ट्रक्शन करते हैं ठीक है ठीके? अब नेक्स्ट है हमारी थर्ड कॉन्स्ट्रिक्शन इसमें क्या होता है नॉर्मली हमारे ब्लड वेसल्स की साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं एंडोथीरियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं ये एंडोथीरियल सेल्स जब हमारी ब्लड वेसल एकदम नॉर्मल है कोई डैमेज नहीं हुआ है तो नॉर्मली जो एंडोथीरियल सेल्स होते हैं वो वेजोडाइलेटर्स रिलीज करते हैं ठीक है वेजोडालेटर्स का क्या मतलब होता है जो हेल्दी एंडोथीरियल सेल्स हैं कोई डैमेज नहीं एकदम है एकदम नॉर्मल है तो यहाँ पे वेजो यह डायलेटर्स को रिलीज करते हैं वेजो डाइलेटर्स क्या होते हैं वेजो डायलेटर्स के अपोजिट वर्क करते हैं वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर क्या काम करता है वेसल्स uh, को कॉन्ट्रैक्ट करने का और जो वेजो डायलेटर्स होते हैं ये केमिकल्स क्या काम करते हैं वेसल्स को डायलेट करके रखना रखने का ठीक है कि अच्छे से ये खुली रहे हो यहां से क्या रहे ब्लड आराम से फ्लो हो सके तो ये डायलेट करके रखते हैं उसको तो नॉर्मली जो हमारी हेल्दी एंडोथीरियल सेल्स होती हैं वो रिलीज करती हैं वेजो जिससे हमारी नॉर्मली जो ब्लड

तब क्या होता है ये जो साइड की एंटोथीरियल सेल्स हैं ये भी डैमेज हो जाती हैं तो हो क्या रहा है देखिए यहां पे दो चीजें होंगी पहली चीज नॉर्मली जो वेजोडाइलेटर्स रिलीज हो रहे थे वो हेल्दी एंडोथियल सेल्स कर रही थी लेकिन जैसे ही वो हेल्दी एंडोथील सेल्स डैमेज हो जाएंगी तो ये जो लेटर्स हैं ये रिलीज नहीं हो पाएंगे तो जो ब्लड वेसल्स हमारी डायलेट रह पा रही थी वो डायलेट नहीं रह पाएगी वो अपने आप से सिकुड़ने लग जाएगी क्योंकि यहां पे डायलेटर्स ही नहीं है उसको डायलेट करके रखने के लिए तो सबसे पहला क्या होगा लॉस ऑफ वेजोडा डायलेटर्स, डायलेटर्स वहाँ पे नहीं रिलीज हो पाएंगे और दूसरा जब ये एंडोथी सेल्स यहां पर डैमेज हो जाती हैं तो डैमेज एंडोथ सेल्स यहां पर वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर रिलीज करती हैं जो कि है एंडोथेलिन ये एंडोथेलिन क्या करता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हो रहा है न्यूरोन्स भी वेजोकॉन्स

तो वैसे कॉन्स्ट्रक्शन में क्या होगा कि नॉर्मल ब्लड वेसल थी ही कट लगा ये तीनों एक्टिवेट ये तीनों मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गई एक्टिवेट होने के बाद हमारी जो ब्लड वेसल है वो क्या हो गई कॉन्ट्रैक्ट हो गई उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया तो जिसको हम बोलते हैं वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉन्स्ट्रिक्शन होने के बाद जो यहाँ से ब्लड का लॉस है वो क्या हो जाएगा अपने आप कम हो जाएगा सो so, आज की क्लास में हमने डिस्कस करा कि हिमोस्टास क्या होती है उसका मतलब हमने समझा वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है कैसे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजो कॉन्स्ट्रक्शन क्या होते हैं कितने टाइप्स हैं वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वो कैसे काम करते हैं इन सभी चीज़ को हमने डिस्कस करा नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी प्लेटेड ब्लग फॉर्मेशन क्या होता है प्लेटेड एडिशन क्या है प्लेटल एक्टिवेशन क्या है, इन सारे ही टॉपिक्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सो या दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट फर्स्ट ऑफ हिमोस्टा इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग